बहावलपुर में बिहार की सबसे ऊंची काली प्रतिमा पेड़ के नीचे 350 वर्षों से भी पहले से होती आ रही बम काली की पूजा। गांव के ही रुदल 40 वर्षों से कर रहे प्रतिमा का निर्माण 501 पाठे की बलि देकर किया जाता है मां की पूजा अर्चना। भागलपुर जिला के नाथनगर प्रखंड के रामपुर खुर्द पंचायत के बहवलपुर गांव में बिहार की सबसे ऊंची काली मां की प्रतिमा बनाई गई है। यह प्रतिमा 32 फीट से भी ऊंची है, जो बिहार में काली मां की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह 350 वर्षों से भी अधिक सालों से प्रतिमा का पूरे नेम निष्ठा से पूजन अर्चना किया जाता है। प्रतिमा को स्थापित करने से पहले यहाँ विशेष पूजा की जाती है। प्रतिमा को पहले बेल के पेड़ के नीचे स्थापित किया जाता था, अब पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित कर पूजन अर्चना की जाती है। यह मंदिर नहीं है, नाथनगर व जिले भर से हजारों की तादाद में भक्त यहां मां काली के दर्शन को पहुंचते हैं। बिहार की सबसे ऊंची काली प्रतिमा का निर्माण बहवलपुर गांव के ही रहने वाले रुद्र नारायण सिंह 40 वर्षों से करते आ रहे हैं। इससे पहले यहीं के मूर्तिकार इसका निर्माण करते थे। उन्होंने बताया कि यहां पर पहली बार काली सिंह ने मां काली की पूजा की थी। ऐसा कहा जाता है कि उनको मां काली सपने में दर्शन देकर पीपल पेड़ के नीचे पूजा करने को कहा था। तब से निरंतर मां काली की पूजा हो रही है। ऐसी मान्यता है कि यहां मंदिर निर्माण नहीं होना है। यहां प्रतिमा का विसर्जन शोभा यात्रा भी काफी भव्य होता है। विसर्जन शोभा यात्रा में झलकियों बाईपास से होते हुए चंपापुर घाट पर माँ की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। भागलपुर की बम काली प्रतिमा के दर्शन के लिए कई गांव के लाखों लोग यहां जुटते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन भी काफी मुस्तैद रहती है। वहीं मंदिर के मेड़पति अजय सिंह ने बताया कि अपने जिला ही नहीं पूरे बिहार में बहवलपुर में मां काली की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई जाती है और मां को करीब 501 पाठे की बलि दी जाती है। वहीं उन्होंने बताया कि 12 बजे रात्रि से सुबह तक पूजा निरंतर चलता रहता है। रामपुर खुर्द पंचायत में बहवलपुर में काली जी की प्रतिमा मतलब कि बुधवार अथी बुध 24 तारीख को रात्रि में पूजा होगा। अच्छा। हाँ, यह प्रतिमा मैं 1978 से ही बना रहा हूँ। अच्छा। करीब यह प्रतिमा की हाइट सजावट के साथ 32 फुट हो जाती है। अच्छा। सजावट लेके 32 फुट हो जाती है। अच्छा। और यह जो है हम साथ में एक हेल्पर रखते हैं जिसका नाम सलेश ताती है। अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा। और दोनों ने मिलजुल करके बनाते हैं। अच्छा, आपका परिचय? मेरा गांव बहावलपुर में ही है। अच्छा। और रुद्र नारायण सिंह नाम है। अच्छा, ठीक। बहावलपुर काली पूजा 300 वर्ष पूर्व से मनाया जा रहा है। यहाँ काली सिंह नाम के व्यक्ति को कई पीपल गाछ के नीचे ही काली स्थापित किए। उनको गुरियानी नदी में काली माँ आई हुई थी और वहाँ से जी करते हुए आया था, यहाँ स्थान दिया गया। उसी समय से पूजा अर्चना हो रहा है, मंदिर नहीं बनना है और बलि प्रथा भी उसी समय से चालू है हम लोगों का। अच्छा, पूजा कब से चालू है? करीब 300 लगभग वर्ष की पूजा अभी इधर जो चालू है। यहाँ जो होगा 24 तारीख को। अच्छा। रात्रि में माँ काली बैठेगी। अच्छा, 24 को रात में बैठेगी। हाँ, 25 को बलि कार्यक्रम है, 26 को मेला और 27 को विसर्जन तैयारी है और जागरण होगा 25 तारीख को। मेला को लेकर क्या तैयारी है इस बार? मेला जो ग्रामीण द्वारा होता है सब दिन होते हुए आया है, जैसे होगा मेला। और इस बार क्या खास होगा काली पूजा? काली पूजा में जागरण होगा रात्रि में 25 तारीख को, 24 को माँ बैठेगी अपने स्थान पर। क्या 2 साल से कोरोना काल का समय में नहीं हुआ था क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं छूटा है। नहीं छूटा? नहीं। आपका परिचय? अजय सिंह मेड़पति। अजय सिंह मेड़पति।